जोधपुर के ओसियां विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरना ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं। नामांकन रैली के बाद दिव्या मदेरना के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अब दिव्या मदेरना का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बल्ला भांजते हुए नजर आ रही हैं। दिव्या मदेरना के बल्ले पर 103 नॉट आउट लिखा है। दिव्या ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, नाबाद शतक, जिंदाबाद ओसिया। हर 18 दिन पर ओसिया की जनता को एक पीली टंकी दी है। 5 साल के कार्यकाल में 103 पानी की टंकियों का नाबाद शतक लगाया है और वादा करती हूं कि दूसरे कार्यकाल में दूसरा शतक और तीसरा शतक भी लगाऊंगी। इससे पहले भी दिव्या मदेरना अपनी एक रैली में बल्ला हाथ में लिए हुए नजर आई थी। बता दें, दिव्या मदेरना ने दावा किया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने हर 18 दिन पर एक पानी की टंकी लगाई है। अपने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 103 पानी की टंकियां लगाई हैं। मदेरना इस चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बना रही हैं और दावा किया है कि अपने दूसरे कार्यकाल में 200 से 300 पानी की टंकियां लगाएंगी। बता दें, इससे पहले दिव्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो नागौर सांसद और RLP के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को जवाब देते हुए तीखा हमला करती हुए नजर आई थी। अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। बता दें, ओसिया विधानसभा क्षेत्र से दिव्या चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले 2018 में भी ओसिया से दिव्या मदेरना चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। इस सीट पर एक बार फिर BJP ने भैराराम चौधरी को टिकट दिया है। दिव्या मदेरना को राजनीति दादा परसराम मदेरना से विरासत में मिली है। दिव्या मदेरना पूर्व मंत्री महिपाल मदेरना की बेटी हैं।